दोस्तों, क्या आप भारत का सबसे ज़्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानते हैं? मैं अब तक की सबसे ज़्यादा रेंज और सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो 2 नवंबर 2021 को लॉन्च हो चुका है, उसके बारे में इस वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे रफ्ट इंडस NX के लॉन्चिंग का, तो आप सबके लिए खुशखबरी है, रफ्ट इंडस NX लॉन्च हो चुका है और कंपनी ने ये भी बता दिया है कि कल से रफ्ट इंडस NX इलेक्ट्रिक स्कूटर बिकना शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक पर। तो आज हम जानने वाले हैं इंडस NX इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। इंडस NX एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो इस इंडस्ट्री में फिर से धमाका मचाने आया है। तो अगर आप इंडस NX इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस, रेंज, स्पीड, मॉडल और स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज आपको सारी बातें इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इंडस NX की रेंज और टॉप स्पीड के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं इसकी रेंज की, तो आपको 480 किलोमीटर की रेंज मिलती है जो कि सिंगल चार्ज में। और आपको इसमें दो तरह के मोड मिलते हैं, एक होता है इको मोड और एक होता है स्पीड मोड, जिसमें आपको टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की मिलती है जो है इको मोड में, और टॉप स्पीड 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की मिलती है वो है स्पीड मोड में। और अगर हम बात करें इको मोड के रेंज की, तो आपको इको मोड में 550 किलोमीटर की रेंज मिलती है। मतलब इतना ज़्यादा रेंज मैं अब तक कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं देखा हूँ। मतलब ये मार्केट में आ जाएगा तो क्या धमाल मचाएगा, आप लोग सोच सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडस NX की बैटरी और चार्जिंग टाइम के बारे में। और अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो आपको इसमें दो टाइप का बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें मेन बैटरी जो है फिक्स्ड, जो 48 वाट और 135 एम्पीयर की है, और यही बैटरी हमको 345 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करवाती है। अब दूसरी बैटरी की बात करें तो दूसरी बैटरी जो है वो रिमूवेबल बैटरी होती है, जो 48 वाट और हमें 155 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करवाती है। और यही दो बैटरी लगने के कारण 500 से भी ज़्यादा रेंज मिलती है। अब बात करते हैं रैप्ट इंडस NX के चार्जिंग टाइम के बारे में। दोस्तों, नॉर्मल चार्ज जो होता है वो 8 घंटे से 24 आवर्स तक लेती है, और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो वो 5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। रैप्ट इंडस NX इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग की बात करें तो जो अभी तक ये नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, इसका लॉन्च डेट जो है वो है 2 नवंबर 2021। और ये बात भी तय है कि कंपनी 2 नवंबर से अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचना भी स्टार्ट कर दिया है। और बात करते हैं रैप्ट इंडस NX की स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर इस पूरा स्पेसिफिकेशंस का हम बात करें तो यहाँ पे फ्यूल टाइप जो है वो इलेक्ट्रिक है, रेंज है 480 से 550 किलोमीटर के अंदर। टॉप स्पीड की बात करें तो इसमें 25 किलोमीटर पर आवर से लेकर 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको मिलने वाली है। बैटरी पैक की बात करें तो बैटरी पैक यहाँ पे दो दिया गया है, 48 वाट की और 135 एम्पीयर की। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 11.5 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी आपको मिलने वाला है। मॉडल टाइप की बात करें तो ये नंबर 3 मॉडल है। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये 2 नवंबर 2021 को यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, और इस स्कूटर में आपको रिवर्स मोड भी मिलता है। और इन सुविधाओं के साथ साथ आपको थिफ्ट अलार्म, कीलेस स्टार्ट, रिमोट लॉकिंग, चाइल्ड सेफ पार्किंग मोड और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड सुविधाओं भी मिलेगी। दोस्तों, अभी स्कूटर के रेंज और कीमत भी जान लेते हैं। एक पोर्टेबल 48 वोल्ट और 65 एम्पीयर की लिथियम बैटरी है जो 156 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,18,500 रुपया। जो मिड रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें भी एक पोर्टेबल 48 वोल्ट और 135 एम्पीयर की बैटरी है जो रेंज में 324 किलोमीटर तक जा सकती है, और जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,91,976 रुपया। अभी हाई एंड की बात करें तो इसमें 9.6 किलोवाट की क्षमता वाला एक डुअल बैटरी विकल्प है जो एक बार चार्ज करने पर आपको 480 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 2,57,431 रुपया। और यहीं पे इन सब वेरिएंट में 1,00,000 किलोमीटर यानी कि 3 साल की बैटरी वारंटी के साथ इन हाउस असेंबल लिथियम आयन बैटरी भी मिलती है। रफ्ट मोटर्स का कहना है एक ऐसी बैटरी रेंज वाला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाना चाहता था जिससे सवारों को चार्जिंग के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करनी पड़े। 48 वोल्ट और 135 एम्पीयर की क्षमता वाली फुटबोर्ड के नीचे फिक्स्ड बैटरी एक बार चार्ज करने पर 325 किलोमीटर की बैटरी रेंज प्रदान करती है, और अगर राइडर 325 किलोमीटर पूरा करता है और चार्ज से बाहर हो जाता है तो उन्हें उसे तुरंत चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें 48 वोल्ट और 65 एम्पीयर की एक क्षमता वाली और एक पोर्टेबल बैटरी फिक्स की है जो एक बार चार्ज करने पर 156 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। राइडर को बस इतना करना होता है कि वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब MCB को
स्विच कर दे और ये भी पोर्टेबल बैटरी पर चलना शुरू हो जाएगा। और यहीं पर जो डर सबको लगता है कि बैटरी की चार्ज अगर खत्म हो जाए तो मेरा क्या होगा, तो उसके एकदम उल्टा सवारों के मन में सुरक्षा पेश करता है ये एक्स्ट्रा 40 वोल्ट और 65 एम्पीयर की ये बैटरी पैक, जो सिर्फ आपको इन 10NX इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेगी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ इसमें एक 10 एम्पीयर की चार्जर भी देते हैं। इन 10NX के कॉन्टेक्स्ट में यदि आप इसे 100 से 150 किलोमीटर तक चार्ज करना चाहते हैं तो इसमें पारंपरिक रूप से लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे, और इसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा 15,000 रुपया देते हैं तो आपको 30 एम्पीयर का फास्ट चार्जर भी देते हैं, जो स्कूटर को लगभग 6 घंटे में पूरी तरह से चार्ज कर देता है, मतलब फुल चार्ज हो जाएगा आपका 6 घंटे में। तो अब तक इस वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि इन 10NX इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा परफॉर्म करेगा, मतलब आज के ज़माने में हमें एक्चुअली जो चाहिए वो मिल गया। तो आज तक आप लोग जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर बाइक के वीडियोज़ देखे होंगे या फिर न्यूज़ देखे होंगे, ये अब तक की सबसे बेहतर और सबसे सेफ इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो क्या आप इन 10NX इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे बेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड चूज इलेक्ट्रिक सेव एनवायरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।